हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, वी आर बैक विद अनदर ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू। सो गाइस, आज जिस कार का हम ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो कार है Hyundai i10। सो Hyundai i10, जैसे आप लोगों को पता है, पहले Hyundai i10 आती थी एंड अब Hyundai i10 Nios आती है। तो आज हम शेयर करेंगे Nios के पेट्रोल वर्जन का ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं ओनर से एंड जानते हैं इस कार के बारे में। सो मिलते हैं कार के ओनर मिस्टर मोहन से। तो वेलकम सर, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप बताएंगे कुछ इस कार के बारे में, ये कार आपने कब परचेस करी है एंड लाइक ये कौन सा मॉडल है कार का बेसिकली? माय नेम इज मोहन। ओके, ये कार मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं, 15 डेज हुए परचेस किए हैं। ओके, Nios है Hyundai की। तो ये स्पोर्ट्स मॉडल, मतलब ये टॉप से एक नीचे का मॉडल है, इसके बाद सीधे आपका एस्टा आता है जो कि टॉप मॉडल है। तो गाइज, ये कार बिल्कुल न्यू कार है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको परचेस किए हुए एंड ये इन्होंने अभी ही परचेस करी है। एंड इसका भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइज, जैसे ये जो एक्सपीरियंस लाइन का जो इन्होंने कार परचेस करी है, ये इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेस करी है। ये एको ड्राइव से करी है। इसके बारे में कभी हम कवर करेंगे किसी और वीडियो में कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कार परचेस करने में क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो पहले हम गाइज इस कार के बारे में बात करते हैं एंड बाहर का नॉइस थोड़ा ज़्यादा है, तो हम कार के अंदर चलते हैं एंड कार चलाते चलाते ही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कार कैसी थी एंड यही कार इन्होंने क्यों परचेस करी। तो चलिए चलते हैं कार में। ओके मोहन, तो जैसे आपने बताया कि आपने ये कार अभी, मतलब लाइक 10-15 दिन ही हुए आपको कार परचेस की। एक दिसंबर को निकाली थी। तो अभी आपने कितना चला लिया है वैसे इस कार को? कार को मैंने ज्यादा क्या, अभी शायद 70-80 किलोमीटर ही चलाया है। अच्छा, 70-80 किलोमीटर ही चलाया। तो गाइस, कार मेरा ना इतना जाना नहीं होता बाहर। ओके, सो गाइज, कार वैसे ज़्यादा चली तो नहीं है, तो कार का इतना जजमेंट तो ये नहीं दे पाएंगे अभी हमें को, बट हम इनसे जानना चाहेंगे कि यार यही कार इन्होंने क्यों चूज़ करी, बिकॉज इस सेगमेंट में देखा जाए तो आपके पास और भी बहुत सारी कारें हैं और भी बहुत सारी अच्छी कारें हैं, तो इनका इस कार को ही सिलेक्ट करने के पीछे क्या रीज़न था? एक्चुअली इस कार को सिलेक्ट करने के पीछे एक तो रीज़न है, मेरे पास पहले भी Hyundai i10 थी। ओके, मैंने उसको 10 ईयर ड्राइव किया और आफ्टर 10 ईयर उसमें प्रॉब्लम आई है। उससे पहले मतलब बिल्कुल सही चलती थी वो। ओके, कार कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, इंजन परफॉर्मेंस अच्छा होता है Hyundai का। ओके, तो हाँ जी, तो जैसे आपने पहले Hyundai आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, तो आपने सोचा नहीं कि यार चलो कुछ और ब्रांड ट्राई किया जाए या किसी और ब्रांड में जाया जाए? इसका एक और रीज़न है, जैसे मैं टाटा में जाता हूँ तो टियागो आती है, तो वो थोड़ा सा मेरे को छोटी लगी इससे। ओके, स्पेस वाइज आपको छोटी लगी? स्पेस वाइज उसमें छोटी लगी। ओके, टियागो वैसे उसका रेटिंग में देखा जाए सेफ्टी रेटिंग अच्छी है उसकी, लेकिन स्पेस वाइज थोड़ा सा कम लगी मुझे। ओके, इसलिए मैं टियागो पे नहीं गया। और नेक्सन और ये पंच थोड़ी बड़ी है, क्योंकि मुझे चाहिए, मेरे पास पार्किंग का इशू है। ओके, तो उस वजह से मैंने, तो मतलब आपको एक छोटी कार चाहिए थी जो आपके इजीली आप। ओके, और आपका जैसे ज्यादा आप लोग सिटी में आप चलाते हो या फिर सिटी के? ज्यादा सिटी में ही चलाता हूं। तो ओके, तो आपको सिटी पर्पस के लिए आप एक छोटी कार देख रहे थे? हाँ, ताकि आपको इजी रहे कहीं पे भी कम्यूट करने में। ओके, तो जैसे आपने बोला कि आप टियागो भी आपने देखी थी, टियागो आपको समझ नहीं आई, पर ठीक है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप मतलब Hyundai की जो रिलायबिलिटी है, Hyundai देती है, तो उस रिलायबिलिटी आपको चाहिए थी कार में और इसीलिए आप Hyundai की तरफ भी गए। तो ये कॉस्ट कितनी करी आपको ये कार? ये कॉस्ट 7.5। जैसे कि आपने बताया कि ये मतलब टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है, तो और आपने जो इसको परचेस किया है वो भी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको परचेस? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुझे नियर अबाउट 20,000 का ऑल डिस्काउंट मिला था। ओके, वैसे ये अगर आप वैसे खरीदते हैं तो 7.7 करके कुछ पड़ती है आपको। ओके, 770 की। ओके, तो इसमें जैसे Hyundai आपने ये ग्रैंड i10 देखी, ये i10 Nios देखी, तो इसमें आप पेट्रोल में गए, इसका एक CNG मॉडल भी आता है। हाँ, CNG मॉडल आता है, मैं वो सोच रहा था कि मैग्ना ले लूं, लेकिन मेरी रनिंग इतनी नहीं है तो मैंने सोचा कि पेट्रोल ही सही रहेगा। आपने कंपेयर किया पेट्रोल और CNG में कितना प्राइस डिफरेंस है? हाँ, प्राइस डिफरेंस मैंने कंपेयर किया, जैसे इसका एक और नीचे मॉडल आता है मैग्ना। ओके, तो वो मैग्ना भी इससे 30,000 रुपये महंगा था पेट्रोल मॉडल से। ओके,
ओके तो और आपने स्पोर्ट्स चुना, आप मैग्ना में नहीं गए इसमें, अगर आपको पेट्रोल में मैग्ना से इसमें फीचर में काफी आगे है, इसमें बैक कैमरा है, ये माउंटेड स्टीयरिंग कंट्रोल है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, और आपका ये डिजिटल मीटर्स है। ओके तो बेसिकली आप फीचर्स आपको चाहिए थे कार में, और आप बाहर से कोई आफ्टर मार्केट ज्यादा काम कराना भी नहीं चाहते थे। तो गाइज ये बात भी है, ये पॉइंट भी होता है, मैं भी ये कई बार बोलता हूँ कि आप अगर कोई कार परचेस कर रहे हो सकता है आपको थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़े, बट आप जो स्टॉक आइटम्स हैं, जो कार जिसमें आपको कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है उसी कार में जाइए, आप एक मॉडल अप ले लीजिए, बट बिकॉज आफ्टर मार्केट का जो काम होता है उसके बारे में मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कितना रिलायबल है और कितना उस लॉन्ग लास्टिंग होता है वो मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको एक अपर मॉडल में एक अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं तो आप एक अपर मॉडल में जा सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो। ओके तो उसके अलावा आपके, जैसे आपने बताया आपके पास सेकंड कार थी, आप इससे पहले भी आपके पास i10 थी, आप ऑलरेडी एक i10 आप ले चुके हैं एंड दोबारा आप फिर i10 में ही गए, तो इस कार में आपको अभी तक क्या ऐसी चीज़ें लगी पॉजिटिव जो आप बोलेंगे, जो मतलब आप अगर कोई रिकमेंड करना चाहें किसी को ये कार के लिए तो वो क्यों इस कार को ले, ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़ जो आपको लगी? एक तो ये मतलब इतनी छोटी कार है, मतलब ठीक ठाक आप गलियों में आराम से ले जा सकते हैं इसको। ओके जैसे छोटी गलियों में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आराम से ले जा सकते हैं, बड़ी कार को निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ये निकल जाती है आराम से। ओके और एक तो इसमें देखिए फीचर्स बहुत ज़्यादा है। ओके आप एसी कंट्रोल देखेंगे तो पीछे भी इसके एसी वेंट है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, टच स्क्रीन है। ओके मतलब आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं इस कार में, तो कोई और पॉइंट जो आपको लगता है इस कार में पॉजिटिव है? हाँ है, तो इसमें देखिए ये फोर सिलेंडर कार है, इसमें बिल्कुल इंजन नॉइस नहीं आती है, आप अंदर बैठे रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रही है, बहुत साइलेंट है गाइस, इसका कैबिन ना बहुत साइलेंट है, आप अगर कार स्टार्ट इग्निशन ऑन भी रखेंगे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि कार स्टार्ट भी है। और एक चीज, इसका डैशबोर्ड भी काफी अच्छा है। हाँ अगर मैं बात करूँ, हाँ गाइस इसके बात करूँ इसके इंटीरियर की, तो काफी अच्छा इंटीरियर इसमें होंडा ने दे रखा है, ड्यूल शेड में आपको इसका इंटीरियर मिलता है। हाँ जहाँ अगर मैं एक पॉइंट करूँ यार, इसका इंटीरियर में जो शेड यूज हुआ है वो वाइट एंड ब्लैक है, तो वाइट थोड़ा मेंटेन करना थोड़ा सा टफ है, बिकॉज स्क्रैचेस आपको वाइट में ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज वैसे देखने में काफी अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा मेंटेन करने में वाइट आ सकती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको, मतलब लाइक? देखिए अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है इसको चलाते हुए, तो परफॉर्मेंस अभी तक तो ठीक है, मेरे को वही एवरेज इसका 10-12 के बीच में मिल रहा है। अच्छा एवरेज, हाँ एवरेज आपको क्या दे रही है ये कार अभी? 10-12 के बीच में आ रही है अभी। अच्छा एवरेज 10-12, और कंपनी क्लेम कितना करती है इस कार? कंपनी क्लेम इसमें है सिटी में वैसे 13 से 16 तक लिखा हुआ है इसमें। ओके मेरे ख्याल से तो वही 13-14 ही देगी है। 13-14 लेंगे क्योंकि अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। वो तो सर्विस के बाद आपकी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा माइलेज में, वो कोई फाइट नहीं है, वो सर्विस के बाद आपको मिल जाएगा इम्प्रूवमेंट देखने में। और अगर मैं आपसे बोलूँ इस कार में वैसे तो आपको बहुत कम टाइम हुआ है इस कार को लिए हुए, बट स्टिल फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद ना आई हो इस कार में, अभी कुछ ऐसा लगा आपको? इस कार में मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी हल्की है बॉडी, बॉडी आपको थोड़ी सी हल्की फील, थोड़ी सी हल्की फील हुई है। Okay. लेकिन वो अभी एकदम नई कार है, मुझे पता नहीं है कि okay. इतना अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मुझे। ओके okay. तो मतलब बस एक चीज आपको लगी है कि बॉडी थोड़ी आपको इसकी हल्की फील, हाँ, थोड़ी सी हल्की लगी है इतनी। ओके okay. okay, वो तो कंपेयर करेंगे, अगर आप बेसिक कार से कंपेयर करें टाटा की कार से, तो ऑब्वियसली टाटा का रेट, टाटा की आप टाटा से कंपेयर नहीं कर सकते किसी हैचबैक कार को, उसकी सेफ्टी रेटिंग ऑलरेडी 5 है और इसकी 2 स्टार रेटिंग है। तो मोहन अगर आप इस कार को, अगर किसी और यूजर जो इस कार वीडियो को देख के ये कार लेना चाहेगा, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो ये कार पे जाए? अगर आपके पास पार्किंग इशू है या फिर आपका बजट थोड़ा सा 7.5 के बीच में है तो आप ले सकते हैं ये कार, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स ऑलरेडी, फीचर्स लोडेड कार है। ओके तो मतलब आप रिकमेंड करेंगे इस कार को लेने, और वैसे भी आपने एक्सपीरियंस ऑलरेडी हुंडई का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो हुंडई की आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं? उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी काफी अच्छी हैं। कभी आपने कभी जब तक आपने हुंडई यूज किया था कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको लगा हो कि
या जो उसके आफ्टर सेल सर्विसेज में इशू आ रहे हो आप? नहीं, ऐसा कुछ कभी आपको इशू नहीं आया? कोई अगर सर्विस के बाद कोई इशू आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस कार में करवाया भी है। तो मतलब आप सर्विस से पूरा सेटिस्फाइड है आपका? एंड बस मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो इसके सेफ्टी फीचर, सेफ्टी रेटिंग से। ओके, तो टू स्टार रेटिंग है। आप देखिए हैचबैक कार ले रहे हैं हुंडई में, हुंडई की तो वैसे ही टू स्टार सेफ्टी है। तो गाइस जैसे आपने देखा कस्टमर कार से पूरी तरह सेटिस्फाइड है एंड वो रिकमेंड करते हैं ये कार। अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख के कार लेना चाहता है तो वो पूरी तरह से रिकमेंड कर रहे हैं इस कार को कि वो ये कार ले सकता है। एंड इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस में गाइस इतना ही। इनसे हम दोबारा मिलेंगे एंड दोबारा जब ये थोड़ा कार और ड्राइव कर लेंगे तो हम फिर से शेयर करेंगे कि इनको इस कार से अब उस समय कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही। तब तक के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।